पूरे 5 साल बाद सलमान खान कैटरीना कैफ की जोड़ी फिल्म टाइगर जिंदा है में नजर आने वाली है। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की नजर आ रही है। सुनने में आया है कि कैटरीना कैफ भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, वो भी सलमान को टक्कर देने वाले सेलेब्स में से एक है। दरअसल सलमान खान का दबंग टूर दिल्ली में परफॉर्म करने वाला था, साथ ही ऐसी भी प्लानिंग थी कि सलमान कैटरीना वहां टाइगर तमाशा करेंगे, लेकिन अब इनकी जोड़ी साथ में तमाशा करते नहीं देखी जाएगी। खबरों की माने तो कैटरीना ने सलमान खान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अब तक ये वजह सामने नहीं आई है कि आखिर क्यों सलमान को कैटरीना ने साथ तमाशा करने से मना कर दिया है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि इन दिनों कैटरीना के पास डेट्स फ्री नहीं है, इसलिए उन्होंने सलूमिया का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वैसे जल्द ही दोनों की फिल्म भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में सलमान कैटरीना के रोमांस से ज्यादा तो उनके एक्शन सीन्स नजर आएंगे। फैंस तो फिल्म के शानदार ट्रेलर को देखने के बाद जल्द ही फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें फिल्म टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी।